हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की लेसन की शुरुआत करेंगे लेसन को पूरा देखिएगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन सभी क्वेश्चंस की जानकारी आपको होना चाहिए अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा यह मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारी इनकम टैक्स की पार्ट नंबर सेवन है आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशन टैक्स बिजनेस टैक्स दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप आंसर एक बार खुद से गैस करिए तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं अ पर्सन इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरली रेसिडेंस वेन द पर्सन इज सेटिस्फाइंग बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन नॉट बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन ओनली बेसिक कंडीशन ओनली एडिशनल कंडीशन अ पर्सन इज सेट टू बी एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंस वैन द पर्सन इज सेटिस्फाइंग तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं सेक्शन टेन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ एग्ज इनकम कैजुअल इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी नन ऑफ द एबव यहां बात हो रही है सेक्शन टेन की सेक्शन टेन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्जेम्ट इनकम ठीक है एग्जाम्ट इनकम क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सी बी डी टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज तो यहां पर राइट right आंसर होने वाला है ऑप्शन बी सीबीडीटी अगला क्वेश्चन रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट द इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी अगर आपको सभी आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर तो यहां पे राइट right आंसर होने वाला है ऑप्शन ए द फाइनेंस एक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हो आप उसको वीडियो रो करके नोट कर लीजिएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन अजेंडर ऑफ द टैक्स पेयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर द सिटिजनशिप ऑफ द टैक्स पेयर द एज ऑफ द टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर क्वेश्चन नंबर सेवन कंपेंसेशन रिसीव्ड लॉस ऑफ ट्रेडिंग a इज receipt, रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू none ऑफ द एबव तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर सही गैस कर रहे होंगे कैपिटल रिसिप्ट क्वेश्चन नंबर एट दोस्तों इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की जरूरत है जो भी इनकम टैक्स पड़ता है सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म इज सैलरी इनकम कैपिटल इनकम बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म इज आइए देख लेते इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सैलरी इनकम सैलरी इनकम क्वेश्चन नंबर नाइन एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेबल फॉर नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेबल फॉर तो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेसिडेंट ठीक है रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं ग्रेचुअटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली टैक्सेबल फुली एग्जाम पार्टली नन ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे पांच सेकंड का टाइम है आपके पास ग्रेचुअटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज दोस्तों ये हमारी पार्ट नंबर सेवन है इससे पहले मैंने आपको छह पार्ट प्रोवाइड कर दिया है जिसको आप प्ले लिस्ट जाकर के देखिए तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फुली एग्जाम ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं पेंशन इज टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन्स सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नन ऑफ द एबव पेंशन इज टैक्सिबल अंडर हेड तो कहां आएगी पेंशन तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैलरी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है सैलरी पेड बाय एन एम्प्लॉयर आउट ऑफ कैपिटल विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैपिटल रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय आर कैजुअल रिसीप्ड आर रेवेन्यू रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ इंप्लॉय सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ कैपिटल विल बी तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी आर रेवेन्यू रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ इंप्लॉय क्वेश्चन नंबर थर्टीन सैलरी रिसीव बाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सीबल अंडर द हेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल गेंस इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सैलरी रिसिव बाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सीबल अंडर द हैड तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी अभी मैंने इसको बताया था ए तो ये नहीं होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख लेते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेस्ट इज फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेस्ट इज तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर आ इंडिविजुअल इज टेन परसेंट थर्टी परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इफ़ ही फेल्स टू फुलफिल एट लीस्ट ऑन द बेसिक कंडीशन बोथ बेसिक कंडीशन द एडिशनल कंडीशन नन ऑफ द एबव दोस्तों ये सब इनकम टैक्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए ये सब अ प परसन इज़ नॉन रेसिडेंट इफ़ ही फॉल्स फेल्स टू फुलफ़िल और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए लीस्ट ऑन द बेसिक कंडीशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देख लेते हैं आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वीडियो को फिर से देख करके नोट कर लीजिएगा एन इंडियन कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस इज दैट इट इज ऑलवेज नॉन रेसिडेंट ओनली ऑर्डिनरली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट एंड इंडियन कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस इज दैट इट इज ऑलवेज तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी रेसिडेंट ठीक है रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं इनकम फ्रॉम अ फॉर्म हाउस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एग्रीकल्चर इनकम ठीक है इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए तो so फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारी पार्ट नंबर सेवन थी इससे पहले आप छः पार्ट भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए इनकम टैक्स के आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम जरूर ले करके आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत